पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर प्रतिभा खन्ना, प्रोफेसर बीपी सिंह, डॉक्टर विद्यावती गुप्ता, प्रोफेसर एसडी शर्मा ने बात करते हुए कहा कि एक मीडियम से अपने आप को कोई शिक्षित नहीं मान सकता, बिना भाषा के ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर प्रतिभा खन्ना, प्रोफेसर बीपी सिंह, डॉक्टर विद्यावती गुप्ता, प्रोफेसर एसडी शर्मा ने कहा, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तमाम हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा जी, हिंदी की तरफ काफी रुझान है, लेकिन तमाम लोग इंग्लिश मीडियम पे ज्यादा जाते हैं। देखिए, किसी एक मीडियम से इंसान शिक्षित अपने को नहीं मान सकता, और हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सोचने, विचार करने की क्षमता जन्म से लेकर, क्योंकि मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम वही उसी में करते हैं। लेकिन हाँ, हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी एक दूसरी, खास करके कोई विश्व भाषा को समझ सकें और अपनी बात को उसमें व्यक्त कर सकें या उससे हम ग्रहण कर सकें, तभी हम हिंदी के भी अच्छे जानकार बनेंगे। क्योंकि ज्ञान केवल भाषा बिना ज्ञान के इसके कोई मतलब नहीं होते। हिंदी दिवस एक औपचारिकता के रूप में मनाया जाता है, यद्यपि हमारी राजभाषा हिंदी को डिक्लेयर किया गया है, राष्ट्रभाषा संविधान में प्राविधान किया गया है, लेकिन उसके लिए कोई बहुत सकारात्मक प्रयास आज तक नहीं हुए हैं। यद्यपि कवियों ने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, लेकिन जो आजकल है उसका उल्टा हो रहा है। जो कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम का क्रेज है, मशरूम की तरह ग्रोथ है। हाँ, एक हिंदी दिवस मनाने की औपचारिकता पूरी की जाती है और लेकिन उसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं है। जैसा मैडम ने काफ़ी से पहले मेरी हमें रेफरेंस नहीं देना है, लोग कहते हैं कि हम लोगों को कनेक्टिंग भाषा जानना चाहिए, उससे इनकार नहीं है, लेकिन हिंदी को जानने वाले को हे दृश्य न देखा जाए, इसके लिए सरकार को जो है प्रयास करना चाहिए। हिंदी भाषा की स्थिति जो है आज के युग में देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं है, अभी उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। और ऐसे तो हम सरकारी आंकड़ों में हिंदी दिवस मनाते हैं और सारी कुछ बातें बताते हैं, बट इसका व्यवहारिक जीवन में क्या है। आज हर इंसान जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल और इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, जाइए उधर ज़रूर, बट जो हमारी भाषा है उस पर भी हमको हिंदी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, और हमको अपनी भाषा पर शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, हमारी भाषा खुद ब खुद उन्नत हो जाएगी। हिंदी दिवस की सबसे पहले मैं दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका विस्तार होना चाहिए, और हिंदी बोलने सीखने पर जोर होना चाहिए। जैसा कि एक आम धारणा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बढ़ती जा रही है जनता में, शायद उसकी आवश्यकता है, लेकिन हिंदी को निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, हिंदी पर जोर होना चाहिए, और हिंदी बोलने में, समझने में और अपनी अभिव्यक्ति देने में गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है।